दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं कचारगढ़ महाराष्ट्र के गोंदिया जिला में। पहली बार महाराष्ट्र आए हैं और कचारगढ़ का मेला जो कि बहुत ही बड़ा मेला होता है। तो ये सब क्या है बताएगा थोड़ा सा? ये बिरसा मुंडा की मूर्ति। अच्छा, कचारगढ़ की जो प्रसिद्ध गुफा है यहाँ से देख सकते हो। ऊपर में भी पहाड़ मतलब काफी बड़ा सा है। दोस्तों आज मैं आपको एक भारत के हिस्से में लेके जाने वाला हूँ जहाँ से एक समुदाय एक जाति की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों इन्हीं गुफाओं में जो है गोड़ जनजाति आदिवासियों का जो है स्थान माना जाता है और यह महाराष्ट्र के ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है जहाँ लोगों का पहुँच पाना भी मुश्किल है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ कचारगढ़, बताने वाला हूँ इस कचारगढ़ की कहानी। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी रोचक होगा। जय जोहार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज है दोस्तों 22 फरवरी और आज जो है कचारगढ़ आपने सुना होगा देवस्थान बोलते हैं आदिवासियों का, जहाँ से शुरुआत हुई है मतलब ये जो शाखा है उसकी लगभग एक गुफा है जहाँ 33,000 देवी देवता है जिनका पूजन किया जाता है। जितने भी हम लोग सुनते हैं आदिवासी समाज में बूढ़ा देव बड़ा देव कंकाली माता जो भी, तो वो सब का वहाँ देव स्थान है और वहीं से शुरुआत हुई है। लिंगोपाटा जो एक हमको व्यक्ति का नाम सुनने को मिलता है जो आदिवासियों के नाम और उनको जो सामाजिक हक दिलाने हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो कैसे ये जो समाज है ये बढ़ा कैसे फैला इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह देव स्थान जो है कचारगढ़ यहाँ का मेला भी आपको घुमाएंगे जो फरवरी में लगता है माघी पूर्णिमा के आसपास लगता है। इस बार 22 फरवरी से 26 फरवरी तक है मतलब 5 दिन का मेला है। तो चलते हैं, यह आपका गोंदिया क्षेत्र में आता है महाराष्ट्र के। लोकेशन वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप लोग चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ महाराष्ट्र गोंदिया जिला के दर्रेकासा के पास स्थित कचारगढ़ स्थान जो कि आदिवासी को देवभूमि है देव स्थान है। यह कचारगढ़ दोस्तों महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में पड़ता है जो कि सालिकासा तहसील से 7, गोंदिया से 55, राजनांदगांव से 65, बिलासपुर से 230 और रायपुर से 133 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां कार बस या फिर ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। दोस्तों यहां मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और भारत के जो अन्य राज्य हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं वे यहाँ ज़रूर आते हैं। यहाँ जो है माघी पूर्णिमा के आसपास मेला भरता है जो लगभग 4 से 5 दिनों का होता है। इस मेले में आपको आदिवासी लोग उनके समुदाय साथ ही उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारी वस्तुएं इन बाज़ार और मेलों में देखने को मिलेंगी जिसमें बहुत सारे यंत्र उनकी पुस्तकें और कैलेंडर वगैरह शामिल हैं। यहां आपको उनसे जुड़ा इतिहास भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। पूरा जंगली क्षेत्र होने के कारण भी दोस्तों यह एक मनोरम दृश्य भी दिखाता है। मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ आदिवासी देवी देवताओं का स्थान है। ये दोस्तों यहाँ से गेट है और यहीं पार्किंग वार्किंग हो रहा है अभी फिलहाल, तो मेला जब चालू होगा उसके बाद शायद मुश्किल होगा, भीड़ ज़्यादा होगी। आज पहला ही दिन है मेले का, दोपहर के 2:30 बज गए हैं, भयानक धूप है। तो चलिए इसी के साथ अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर में कितना दूर पे जाना पड़ेगा और उसके बाद दिखाएंगे आपको गुफा में क्या क्या है, उधर कैसे कैसे पूजा होता है सब दिखाएंगे। बहुत बहुत सभी का स्वागत सेवा जो है ऐसे तेज शक्तियों के दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो जंगल के बीचों बीच में स्थित है यह कचारगढ़ का देव स्थान को पार लिंगो पाटा और अपना काली कंकाली का ऊपर में मंदिर है। तो अभी जा रहे हैं ऊपर और चारों तरफ पूरा आप देख सकते हो जंगल ही जंगल। इधर मेला स्थान से लगभग 2-3 किलोमीटर आना पड़ेगा उसके बाद ही आपको ये स्थान मिलेगा। बहुत सारे गार्ड्स वगैरह भी लगे हैं। चलिए चलते हैं अभी ऊपर और देखते हैं क्या खास है। चलिए Thank you.
भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए आदिवासियों की यहाँ आपको नृत्य गीत और उनसे संबंधित उनके समुदाय की जितनी भी सारी संस्कृति है उनका कुछ कुछ हिस्सा यहाँ आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूल अचूल आप जैसे भी इसे देखना चाहें, यहाँ पास आपको पारिकोपार, लिंगोपाटा, कलिकंकाली, जंगोदाई, बूढ़ा देव, बड़ा देव, जितने भी आदिवासी देवी देवता हैं उनसे संबंधित यहाँ स्थान देखने को मिलेगी जो कि इन्हीं सारे गुफाओं में स्थित है, जिनकी पूजा के लिए हर साल यहाँ यात्रा निकाली जाती है जिसे कचारगढ़ यात्रा कहते हैं। और हर साल अलग अलग राज्यों से यहाँ आदिवासी लोग आते हैं अपने देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। दोस्तों इनसे संबंधित और गोंड जाति की उत्पत्ति से संबंधित भी एक बहुत ही रहस्यमय अनोखी कहानी है जो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गोंड जनजाति की उत्पत्ति लगभग 3000 साल पहले हुई थी और इससे संबंधित यहाँ एक कहानी भी कही जाती है जिसमें ऐसा कहते हैं कि माता गौरी के कुल 33 पुत्र थे। वे बड़े उपद्रवी थे, इसलिए एक बार गुस्सा होकर शंभू शेख ने उन्हें इन्हीं कचारगढ़ की गुफाओं के अंदर बंद कर दिया और बाहर से एक बड़ा पत्थर रख दिया, जिससे माँ कलिकंकाली काफ़ी भावुक हो गई और उनके आज्ञा अनुसार किंद्री वादक हीरा सुखा पटारी ने अपने संगीत की शक्ति से उन 33 युवाओं में ऊर्जा भर दी, जिसके बाद उन युवाओं ने एक साथ उस पत्थर को धक्का दिया और वह पत्थर बाहर की ओर गिर गया। कहते हैं उसी पत्थर के नीचे दबकर हीरा सुखा पटारी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वे 33 वंश अलग अलग जगहों पर चले गए, अलग अलग प्रदेशों में चले गए जहाँ उनका वंशज आगे बढ़ने लगा। दोस्तों ऐसा कहते हैं गुड़ी संस्कृति के निर्माता पारिकोपार लिंगोपाटा उन 33 वंशजों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, जिसमें 33 वंश और 12 पेन मिलाकर 750 गोत्र बने। इन्हीं गोत्रों को दोस्तों एक सूत्र में बांधने को गुड़ी भाषा में कच्चा कहा जाता है, जो कि इस कचारगढ़ के नामकरण का एक सार्थक महत्व हो सकता है। दोस्तों यहाँ कचारगढ़ में लोहे और अन्य खनिजों के कच्चे अवशेष भी प्राप्त होते हैं, इसके कारण भी हो सकता है इसे कचारगढ़ कहा जाता होगा। हम लोग को दिख रही है कचारगढ़ की जो प्रसिद्ध गुफा है, यहाँ से देख सकते हो ऊपर में भी पहाड़ मतलब काफी बड़ा सा है और यहाँ से देखने को मिल रहा है कितनी दूर जाना पड़ता होगा। सोचो सीढ़ी चढ़ के वहां तक पहुंचना है, बहुत बड़ी गुफा है, एशिया की सबसे बड़ी गुफा कहते हैं और ऊपर ऊपर तक भी जाते, झंडा भी लगा हुआ है। कचारगढ़ की गुफा दोस्तों हजारों सालों से गुमनाम थी। आदिवासी संस्कृति के अध्ययनकर्ताओं ने, खोजकर्ताओं ने, इतिहासकारों ने इस जगह को खोजा और इस नतीजे पर पहुंचे कि यह गोंड जनजातियों का मूल स्थान है, यही से उनकी उत्पत्ति हुई है। लगभग 1980 के दशक में दोस्तों आदिवासी संघ के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने कहानी के मुताबिक जो है काफ़ी सारी जगहों को खोजना चालू किया और उसके बाद वह गोंदिया जिले के इस कचारगढ़ क्षेत्र में पहुँचे। यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं दोस्तों, यहाँ की जो मुख्य गुफा है उसमें एक बड़ा सा छेद है जहाँ से रोशनी आती है और उस गुफा के बाहर एक शिलाखंड स्थित है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे एक ओर ढकेला गया होगा। कहानी के मुताबिक दोस्तों उन्होंने खोज करते हुए इस स्थान को जो है गोंड जनजातियों का मूल स्थान, देवी स्थान घोषित किया। उसके बाद से यहाँ कचारगढ़ यात्रा प्रारंभ की गई। बहुत सारी यहाँ पर गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, पीछे जो हमने गए थे पारिकोपार लिंगोपाटा और उधर जंगोदाई का, यहाँ पर एक और गुफा है बहुत इधर से जाते हैं अंदर। इन गुफा की संरचनाओं का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है दोस्तों। काफ़ी सारी गुफाएं आपको इस कचारगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलेंगी और इन गुफाओं की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा जो है बाहर से नहीं लगाया जा सकता। इन गुफाओं की स्थिति ऐसी कही जाती है लगभग 518 मीटर की ऊंचाई पर जो है यह सारी गुफाएं स्थित है, जिनमें से जो मुख्य गुफा है जिसमें बूढ़ा देव स्थान स्थित है वह बाहर से काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। उसकी कुल लंबाई लगभग 100 फीट, ऊंचाई और चौड़ाई मिलाकर 25 और 40 फीट है।
यहाँ इन सारी गुफाओं में दोस्तों परिकोपार लिंगो पाटा जंगो दाई जंगो बाबा और काली कंकाली माता का जो है देवस्थान स्थित है, जहाँ लोग पूजा करने के लिए इन गुफाओं में आते हैं। नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद भी दोस्तों यह जगह जो है बहुत ही रमणीय नेचर से घिरा हुआ और कचारगढ़ यात्रा के समय लोगों से भर जाता है, जब लोग अपने साथ अपने पूर्वजों को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए लेकर आते हैं। कचारगढ़ को आज इतना बड़ा पर्यटन स्थल बनाने के पीछे भी दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का हाथ है, जिनका नाम आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी गुफा है और अभी भी बचा है वहाँ पास, आपको दिख नहीं पा रहा होगा यहाँ से काला काला दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ी दूर हमको जाना है और गुफा में अंदर वहाँ तक जाते हैं, वहीं जो है देवस्थान है। वहाँ जो है ऊपर पत्थर नहीं है तो रोशनी सीधे आ रही है, तो चलिए अभी वहीं चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ से देख सकते हो कितनी बड़ी गुफा है और ये बाहर का नजारा। तो दोस्तों आज से लगभग 36 साल पहले गुड़ी धर्माचार्य मोतीरावण कंगाले शोधकर्ता मरसकाले और गोड़ राजा वसुदेव दादा हीरा सिंह मरकाम सुरेंद्र सिंह ताराम, ये पांच लोग जो है कचारगढ़ आए थे। 1984 में इन पांचों आदिवासी लोगों ने जो है गांव के प्रांगण में झंडा फहराकर कचारगढ़ की इस यात्रा की जो है शुरुआत की थी। उसके बाद से हर साल को माघी पूर्णिमा में यहां जो है कचारगढ़ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख लोग यहां आते हैं। दोस्तों यह कचारगढ़ यात्रा मध्य भारत की सबसे बड़ी यात्रा आयोजित होती है, जिसमें मेले में इतने सारे लोग आते हैं जितना अंदाज़ा लगा पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ आपको गुड़ जनजाति से संबंधित नृत्य संगीत और भी बहुत सारे उनके यंत्र, उनके सामान और उनके जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ स्थित जो मुख्य गुफा है दोस्तों, जहाँ बूढ़ा देव का स्थान है, यह एक दैविक गुफा के समान दिखती है, जहाँ ऊपर से आपको एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और नीचे में आपको एक अनोखा कुंड देखने को मिलता है। यहाँ जहाँ पास देवस्थान है दोस्तों, यहाँ ऊपर में जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा ऊपर में यहाँ पास उसी की रोशनी आ रही है गुफा में, और किसी प्रकार की कोई लाइटिंग नहीं है। और यहाँ पास जो है मुख्य रूप से देवस्थान है, और ये देखिए यहाँ पास देखो दोस्तों, और पिक्चर जैसा लग रहा है। चलो दोस्तों यहाँ पास छोटा सा कुंड भी है, देखते हैं कुंड, वो देखिए जहाँ का पानी यहाँ से ही आके जमा हो रहा है। आदिवासियों का यह मानना है दोस्तों कि गुड़ी संस्कृति के रचनाकार शंभू गौरा पारिकोपार लिंगो पाटा हीरासुका पटारी 33 कोट सगापेन और 12 पेन तथा 750 कुल सल्ला गांगरा शक्ति यहाँ स्थित है।
यह गोड़ी धर्म की आस्था और विश्वास है कि उनकी आत्माएं यहाँ के घने जंगलों में गुफाओं में निवास करती है और उनके लिए यह एक देव स्थान बना हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यह ही वह बड़ा देव का देव स्थान है जहाँ लोग उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और मंत्रमुग्ध होते हैं। दोस्तों, इन सारी कहानियों में बहुत सारा ऐसा अनोखा रहस्य छिपा हुआ है। इन गुफाओं में से बहुत सारे अनोखे राज छिपे हुए हैं, जिनमें से काफ़ी सारे राज, जिनमें से काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक पता नहीं हुई है। कचारगढ़ यात्रा प्रारंभ होने के बाद काफ़ी सारे आदिवासियों का यहाँ आना जाना बढ़ चुका है, जिससे काफ़ी सारे लोग इन सारी गुफाओं का, इन सभी देवी देवताओं का यहाँ दर्शन कर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, इनमें बहुत सारे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो अभी भी सामान्य जनता से, बाकी सारे लोगों से अनछुए हैं। जैसे जैसे इन गुफाओं में शोध होते जा रहा है, वैसे वैसे इन गुफाओं की भौगोलिक आकृति, यहाँ छिपे हुए जितने राज, जितने भी पौराणिक कहानियाँ इन सभी गुफाओं के बारे में कही जाती है, आदिवासियों की उत्पत्ति, कुड़ जनजाति की उत्पत्ति से संबंधित, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने धीरे धीरे आती जा रही है। साथ ही गुड़ और बाकी अन्य जो आदिवासी समाज है, जैसे जैसे मुख्य धारा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन सभी कहानियों का, इन सभी पौराणिक कथाओं का और लोगों तक प्रचार बढ़ते जा रहा है, जिससे गोड़ी समाज के लोग, उनसे संबंधित जनजाति, गोड़ जनजाति के बारे में भी काफ़ी सारे लोगों को पता चल पा रहा है। जैसे जैसे और कचारगढ़ में शोध होते जाएगा, लोगों को इस जगह के बारे में पता चलते जाएगा। दोस्तों, अभी हम लोग के दर्शन हो गए। ये जो मुख्य गुफा है, यहाँ जो है बड़ा देव का मूर्ति है और बड़ा है अनोखा सा, वहाँ पास नेचुरल एक बना हुआ है, ऊपर से उधर से रोशनी आता है और नीचे में कुंड टाइप का है जो कि पानी होगा मेरे हिसाब से। बाकी आगे जानेंगे हम लोग वीडियो में और क्यों ऐसा होता है। फिलहाल अभी हम लोग का यहाँ गुफा तक का सफर हो गया, अब मेले की तरफ चलते हैं और वहीं आप लोगों से मिलते हैं और वहीं यह वीडियो जो है अंत करेंगे। चलिए, तो दोस्तों आज यह कचारगढ़ देव स्थान किसी प्रकार की इंट्रोडक्शन का पात्र नहीं है। बहुत सारे लोग इस कचारगढ़, इस गोंदिया जिले के इस क्षेत्र को नक्सली क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह नक्सली क्षेत्र तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ गोड़ी धर्म, गोड़ी मूल स्थान से संबंधित बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान स्थित हैं जिनका दर्शन करने के लिए यहाँ आदिवासी लोग आते ही रहते हैं और आगे भी दर्शन करते रहेंगे। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और भविष्य में जैसे जैसे इस जगह के बारे में शोध होता जाएगा, और भी बहुत सारे जो छिपे हुए राज हैं, जो पौराणिक कहानियों में कहे जाते हैं, जो इस जगह संबंधित कहे जाते हैं, गोड़ जनजाति की उत्पत्ति से संबंधित, वे सारे राज सामने आएंगे। फिलहाल दोस्तों, आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा। यह बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले का, खास करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के लोग, आदिवासी लोग यहाँ जाना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ उपस्थित ट्रेन आपको बिलासपुर से मिल जाएगी, मध्य प्रदेश से भी, महाराष्ट्र भी, आपको दरेकसा पहुँचाएगी, जहाँ आप आकर इस कचारगढ़ यात्रा देवी स्थान को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ लगने वाले भव्य मेला, जो कि 5 दिनों का होता है माघी पूर्णिमा में, उसका आनंद भी ले सकते हैं। इस मेले में बहुत सारे आदिवासी जनजातियों से संबंधित चित्रांकन, बहुत सारे उनकी नक्काशी, उनके पढ़ाई लिखाई करने का तरीका, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही उनसे संबंधित इतिहास, जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी मुख्य लोग हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको इस मेले में देखने को मिलेंगी। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा दोस्तों, माघी पूर्णिमा में इस साल या फिर अगले साल जब भी आते हैं, अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।